हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक्सेल की पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल फंक्शन के तीन फॉर्मूले पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल फंक्शन के तीन और फॉर्मूले। वो क्या है, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना, रेट मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, क्या रेट ऑफ परसेंट है। ठीक है, और टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में, एन पर। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं पहले पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। इज इक्वल टू पीवी। ठीक है, अब क्या पूछा, रेट, रेट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा टाइम, टाइम इसको क्या कर देंगे इंटू 12 कॉमा, और फिर क्या पूछा पीएमटी, पीएमटी हमने यहां निकाल रखा है ये। ठीक है, पर पीएमटी लिखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाने से क्या होगा, आंसर तो आएगा पर निगेटिव में आएगा। ठीक है, और देखिए कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 5 लाख रुपए, जो हमारा यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इस टेबल में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट टैब कर लेंगे, एन पर मतलब समय डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पीएमटी, पीएमटी में माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, पीएमटी ले लेंगे कॉमा पीवी, पीवी लेने से पहले माइनस का साइन लगा के फिर पीवी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू 12 कर देंगे। सिर्फ रेट के फॉर्मूले में ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटू 12 करेंगे, ताकि जितना भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सही आ जाएगा। इंटर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, 6%, यहाँ पे 6% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एन पर, एन पर मतलब टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू एन पर टैब, रेट ले लेंगे, रेट हो गया रेट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा कर देंगे। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे, पीएमटी ले लेंगे, पीएमटी में हमने पहले ही बताया था माइनस नहीं लगाएंगे, और पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू लेने से पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर पीवी ले लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और हम इंटर। देखिए आपका क्या आ गया, ये 48 महीना। ठीक है, मतलब कि 4 साल। ठीक है, इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, F2 से फॉर्मूला एडिट करते हैं और डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, अब इंटर करेंगे तो कितना आ गया, 4 साल। ये रुपीज में आ गया है क्योंकि इसका यहाँ पे इसको जनरल कर देते हैं 4। ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या सीख लिया दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, रेट नहीं दिया है तो रेट कैसे निकलेगा, और टाइम अगर नहीं दिया है तो टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।